बिठाए रखा वैन में, वो जैसे ही पहुंची है थाने वो बेहोश हो गई। और जब बेहोशी की हालत में तो उसकी जब हमने किताबें, उसके दादा की पोइट्री की किताब है, अंग्रेजी की पोइट्री की किताब है, तो वो उन्होंने किताबें सीटीडी वालों ने उठवा ली, नोटपैड और पेन उठा लिया कि कोई चीज़ की इजाज़त नहीं, हालांकि अभी कन्विक्शन भी नहीं हुई। और मेरी बेटी बेहोश हुई है, उसके बाद उसको उन्होंने सेल में बंद कर दिया, कोई फर्स्ट एड नहीं मिली। फिर उस जब आधी होश में आई तो उसने कहा मुझे डॉक्टर को तो बुलवा दें। उसके बाद वो होश में आई है और वो कहती है कि ना कोई गुसलखाना इस्तेमाल के काबिल है ना कुछ, और मेरी बेटी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत तो हैं। और आज उन्होंने इसी वास्ते फिर कोई रिफ्यूज़ कर दिया कुछ खाने से, लेकिन अब हमने पर्सुएड किया है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि दुश्मन तो चाहता है कि सेहत ख़राब हो या कोई ऐसा फेटल हो जाए मेरी बेटी के। मुझे सख्त फिक्र है अपनी बेटी, अपनी बेटी की जान की मुझे सख्त फिक्र है। और मैं समझती हूँ कि हर बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, केसेस उनके पास हैं ह्यूमन राइट्स के, जो और कोई लेता भी नहीं है, और मुझे उसका जान का ख़तरा है हवालात में। इस वास्ते मुझे उम्मीद है कि उसको बेल मिलनी चाहिए और मिल जाएगी। वो वकील है, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, पेशियों पे आएगी, लेकिन क्योंकि उसकी जान का ख़तरा है कल से वाजे हो गया है। इस वास्ते मैं अपील करती हूँ अपने कोर्ट्स को कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करें, मेरी बेटी की जान की हिफाजत करें। मैडम क्या रवैया जेल में रखा जा रहा, बता रही थी कोई तशद्दुद किया जा रहा है इस तरह वाले से? नहीं, बट मैं जब कल बेहोश थी अपने सेल में हवालात में, सीटीडी के इंस्पेक्टर साहब आए थे और जो मेरी नज़मों की किताबें थी उन्होंने ले ली, और उन्होंने कहा आपको इजाज़त नहीं है किताबों की। वॉशरूम्स के हवाले से भी, वॉशरूम में भी बहुत गंदा बाथरूम है, मुझे केमिकल यूरिथ्राइटिस की प्रायर कंडीशन है। जो बाथरूम मुझे दिया गया है उसमें मुझे यूटी आई मैडम क्या रवैया जेल में रखा जा रहा, बता रही थी कोई तशद्दुद किया जा रहा है इस तरह वाले से? नहीं, बट मैं जब कल बेहोश थी अपने सेल में हवालात में, सीटीडी के इंस्पेक्टर साहब आए थे और जो मेरी नज़मों की किताबें थी उन्होंने ले ली, और उन्होंने कहा आपको इजाज़त नहीं है किताबों की। वॉशरूम्स के हवाले से भी, वॉशरूम में भी बहुत गंदा बाथरूम है, मुझे केमिकल यूरिथ्राइटिस की प्रायर कंडीशन है, तो मेरी किडनीज में मसला है। कल डॉक्टर साहब भी आए थे पिम्स से। यार आप लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेन कर दी और जज ने कहा गाड़ी रोके, अगर आप लेके जाएंगे हम आपके खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे। फिर उसको तो नाम करना, बैठे बैठे ये सब रुक जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे।
और आप लोगों को ये भी पता है कि मतलब आईजी ने जो मतलब ये क्या है, उन्होंने ये भी वादा किया था कि जो भी लोग होंगे आपके ड्यूरिंग के साथ है उन लोगों को हम भी रिहा कर देंगे। अच्छा, इन्होंने यही कहा था बतौर शुक्रिया। तो आपका शुक्रिया भी अदा किया वजीर दाखिला ने, गिरफ्तार भी कर रहे हैं आपको, ये क्या माजरा है? तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ये भी कर लेते हैं, हम कमिटमेंट भी पूरी कर लेते हैं। धूप में बिठाए रखा वैन में, वो जैसे ही पहुंची है थाने वो बेहोश हो गई, और जब बेहोशी की हालत में तो उसकी जब हमने किताबें उसके दादा की पोइट्री की किताब है, अंग्रेजी की पोइट्री की किताब है, तो वो उन्होंने किताबें सीटीडी वालों ने उठवा ली, नोट पैड और पेन उठा लिया कि कोई चीज़ की इजाज़त नहीं, हालांकि अभी कन्विक्शन भी नहीं हुई। और मेरी बेटी बेहोश हुई है, उसके बाद उसको उन्होंने सेल में बंद कर दिया, कोई फर्स्ट एड नहीं मिली। फिर उस जब आधी होश में आई तो उसने कहा मुझे डॉक्टर को तो बुलवा दें, उसके बाद वो होश में आई है और वो कहती है कि ना कोई गुसल खाना इस्तेमाल के काबिल है ना कुछ, और मेरी बेटी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत तो हैं, और आज उन्होंने इसी वास्ते फिर कोई रिफ्यूज़ कर दिया कुछ खाने से, लेकिन अब हमने पर्सुएड किया है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि दुश्मन तो चाहता है कि सेहत ख़राब हो या कोई ऐसा फेटल हो जाए मेरी बेटी के। मुझे सख्त फिक्र है अपनी बेटी, अपनी बेटी की जान की मुझे सख्त फिक्र है, और मैं समझती हूँ कि हर बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, केसेस उनके पास हैं ह्यूमन राइट्स के जो और कोई लेता भी नहीं है, और मुझे उसका जान का ख़तरा है हवालात में। इस वास्ते मुझे उम्मीद है कि उसको बेल मिलनी चाहिए और मिल जाएगी, वो वकील है, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, पेशियों पे आएगी, लेकिन क्योंकि उसकी जान का खतरा है कल से वाजे हो गया है। इस वास्ते मैं अपील करती हूँ अपने कोर्ट्स को कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करें, मेरी बेटी की जान की हिफाजत करें। शुक्रिया। श्री मदन बताइएगा कि यही बेटी कल को आपको बोलने से रोकती थी, बस आज बहुत बोल रही है। आपकी बात हुई थी आपकी अपनी बेटी से इस सवाल में? यार बात सुनिए, आप लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेन कर दी और जज ने कहा गाड़ी रोके, अगर आप लेके जाएंगे हम आपके खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे।